वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, इसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई प्लान कब हुआ? 1944, 1945, 1950 या 1952? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1944। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग कब बना? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किसने किया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 5, पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? ऑप्शन ए 1941 से 1946, ऑप्शन बी 1946 से 1951, ऑप्शन सी 1951 से 1956 और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी 1956 से 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 से 1956। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी के एन राज, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, के एन राज। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री कौन थे? राजकुमार शुक्ला, पीसी महालनोबिस, के एन राज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश से भारत में योजना की प्रक्रिया की प्रेरणा ली गई? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान। सही आंसर है सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता का विषय क्या था? कृषि, उद्योग, टूरिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, लोह अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है? झारखंड, असम, उड़ीसा या फिर गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे समझा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, पी एन सिंह या फिर सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 14, जे सी कुमारप्पा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1895। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 जनवरी 1892। क्वेश्चन नंबर 15, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी जॉनिंग, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? ऑप्शन ए यह भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, ऑप्शन बी इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था,
ऑप्शन सी, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। ऑप्शन डी, इसमें नियोजन के विचार का बहुत समर्थन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें उद्योगपतियों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, चोगदा निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969, 1970, 1971 या फिर 1972। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ भारत के किन राज्यों को मिला? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पोस्को प्लांट कहाँ लगाया जा रहा था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग का नाम बदलकर किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए बजट आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विकास आयोग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।